नया साल 2022 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई सौगातें ला सकता है। लंबे समय से नए अस्पताल भवन में इलाज शुरू करने को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन हमेशा ही किसी न किसी वजह से यह टलता रहा है। अस्पताल भवन का 13 अगस्त को जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने उद्घाटन किया था, लेकिन कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे शुरू नहीं किया। बुधवार को नए अस्पताल भवन पहुंचे CMHO डॉक्टर GC चौरसिया ने BMO डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े और स्टाफ के साथ मिलकर अस्पताल भवन का निरीक्षण कर इसे फरवरी माह तक हर हाल में संचालित करने लायक तैयार करने के निर्देश दिए। नए अस्पताल भवन में सुविधाएं जैसे NRC सेंटर, एक्सरे सिस्टम, OPD शुरू करने को लेकर प्लानिंग की गई, वहीं लिफ्ट शुरू करने और पैथोलॉजी लैब को शुरू करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सर ने दौरा किया है और अस्पताल शुरू करने के लिए उन्होंने कहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? CMHO साहब ने बोला है कि पूरे जितने भी वार्ड्स हैं उनके हिसाब से पूरे पलंग बेड्स की, एसेसरीज की और पूरे फर्नीचर की, पूरे इंस्ट्रूमेंट की पूरी लिस्ट बना के भिजवा दें, ताकि दिसंबर लास्ट तक जो है ये लिस्ट भिजवा दें, ताकि जनवरी फरवरी तक पूरा सामान यहाँ पे आ जाए। और यदि ओमिक्रॉन की लहर नहीं आती है तो फरवरी लास्ट या मार्च तक जो है हॉस्पिटल का अपन शुभारंभ कर दें। हॉस्पिटल का लोकार्पण हो चुका है, तो जितने भी काम अपन नया जो जितना भी अपन को यहाँ का हॉस्पिटल के जितने भी वर्क्स आए हैं, नए जो भी काम करवाने हैं सब अपन को नए हॉस्पिटल में कराने, पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी ना करा के नए हॉस्पिटल का आप वो करें, इसको नया रूप करके इसको आप शुरू करने की पूरी कोशिश करें, ताकि जैसे ही अपने को ओमिक्रॉन का खतरा निकलता है तो अस्पताल तुरंत शुरू कर सके। सर कब तक हो सकता है शुरू? CMHO साहब का कहना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको जनवरी लास्ट वीक, फरवरी के 15 दिन पहले इतना देख लें, इसके बाद फरवरी लास्ट वीक या मार्च में अपन इस हॉस्पिटल को चालू करने की कोशिश करेंगे। सर क्या क्या नई सुविधाएं मिलेगी मरीजों को मेडिकल में? यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आयुष्मान का जो है इसको लाइसेंस मिला हुआ है, आयुष्मान हॉस्पिटल का, तो उसके हिसाब से अपन इसका उन्नयन करेंगे नए हॉस्पिटल का। तो आयुष्मान के तहत जितने प्रकार की सेवाएं मिलती हैं तो पूरी सेवाएं देने की यहाँ पे अपन उसके लिए कोशिश करेंगे, ताकि आयुष्मान का लाभ जो है नए अस्पताल में पेशेंट को मिल जाए। BMO डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा और कोरोना की संभावित लहर नहीं आई तो इस नए साल में नए अस्पताल भवन में कामकाज शुरू किया जा सकेगा। इससे आम के साथ साथ खास मरीजों को भी फायदा मिलेगा। इस दौरान डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव, डॉक्टर मिलिंद गजबिये, डॉक्टर नीलेश धाड़से और BPAM रविंद्र पराड़कर सहित स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी स्टाफ उपस्थित था।